क्रोमोसोम ये बेसिकली आपका हेल्प करेगा इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोसोम. सो बेसिकली इट विल हेल्प इन अटैचमेंट विद द स्पिंडल फाइबर. ये आपका स्पिंडल फाइबर से अटैच करने में आपको हेल्प करता है. अब स्पिंडल फाइबर जब यहाँ पे अटैच होगा ना, तो समझो मैं यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाता हूँ, यहाँ आके अटैच होगा ना, ये अटैचमेंट आपका तब होता है बेटा जब आपको सेल को डिवाइड करना होता है या सेल डिवीजन आपको करना होता है, ये टाइम पे ये सब होगा. सो ड्यूरिंग माइटोसिस, बीइंग मोर प्रिसाइज, ड्यूरिंग माइटोसिस एंड ड्यूरिंग मियोसिस ये आपका प्रोसेस होता है. अब जब हम उस चैप्टर को देखेंगे तब देखेंगे यार ये हुआ हो क्यों रहा है और ये करने का एडवांटेज क्या है. बट इतना याद रख लेना यहाँ पे कि ये जब आपका होगा तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो स्पिंडल फाइबर है इट विल गेट इटसेल्फ अटैच टू द काइनेटोकोर. याद रखना कोई बात, योर स्पिंडल फाइबर इज गेटिंग इटसेल्फ अटैच टू द काइनेटोकोर ओवर हियर. सो काइनेटोकोर का काम याद रखना, इसने अटैच करना है स्पिंडल फाइबर के साथ जो हेल्प करेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ये सब आपका होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन. क्या इतना वाला पार्ट आपको क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? याद रखना जब भी आप एक क्रोमोसोम को ऑब्जर्व करते हो इतना याद रख लेना कि यार सेंट्रोमेयर क्या कर रहा है, काइनेटोकोर वहां पे प्रेजेंट होगा और उसका काम वहां पे क्या होगा, ठीक है. और याद रखना कि ये जो एक्स शेप वाले जो क्रोमोसोम है ये आपको तब मिलते हैं जब आपका सेल डिसाइड करता है कि मुझे डिवाइड करना है. अगर आप वैसे उठा के देखोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे. अगर आप वैसे ही आप सेल में से निकालते हो क्रोमोसोम अगर उसे आप ऑब्जर्व करते हो जो डिवाइड नहीं कर रहा, तो आपको ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसे सिंगल सिंगल आपको स्ट्रक्चर दिख जाएंगे, ठीक है. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो अबाउट द क्रोमोसोम ओवर आपको यहाँ पे याद रखना है. अब हम आगे बढ़ते हैं. Now let's move ahead and let's start to understand. अच्छा कोई मुझे बताएगा कि ये न्यूक्लियर लेमिना का काम क्या था? न्यूक्लियर लेमिना का काम क्या था यहाँ पे? ये जो लेमिना यहाँ पे था प्रोवाइड करता है, भूलना मत कभी भी. राइट नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया, हमने देख लिया कॉलिंग अनकॉलिंग क्या हो रही है. अब हम देखते हैं हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर क्रोमोसोम्स. यहाँ पे हम देखेंगे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर क्रोमोसोम. आपके क्रोमोसोम के आपको यहाँ पे पांच चार टाइप आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. सो यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम कैन बी सीन. सो लेट्स हैव अ लुक एट देम क्विकली. और ये जो टाइप है ना आपके यहाँ पे, इट इज बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द सेंट्रोमियर. ये सेंट्रोमियर के बेसिस पे इन क्रोमोसोम्स के यहाँ पे आपको टाइप्स मिलेंगे. सो फटाफट इनको हम यहाँ पे देखते हैं कि ये है क्या. तो सेले हम चालू करेंगे फ्रॉम द मेटासेंट्रिक. सबसे जो राइट हैंड साइड में जो मेरा है वहां से मैं चालू करूंगा. सो मेटासेंट्रिक में मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा कि आपका जो सेंट्रोमियर होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रोमियर, वो बिल्कुल आपका सेंटर में है. ये बिल्कुल आपका यहाँ पे, बिल्कुल आपका ये सेंटर के अंदर है आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर. और उससे क्या होता है, यू हैव इक्वल आर्म, यू हैव बोथ द आर्म्स. जो ऊपर वाला आर्म है और नीचे वाला आर्म है, वो दोनों यहाँ पे इक्वल होते हैं. याद रखना जब आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होगा सेंटर में, देन आपके दोनों आर्म का जो लेंथ होगा वो यहाँ पे इक्वल होगा. ये आपका जो लॉन्ग आर्म ये आर्म होगा ये भी आपका सेम होगा और ये नीचे वाला आर्म भी आपका यहाँ पे सेम होगा. सो दोनों आर्म यहाँ पे इक्वल लेंथ के होंगे. ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा मेटासेंट्रिक. ऐसे क्रोमोसोम को आप यहाँ पे बोलोगे एज अ मेटासेंट्रिक. उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे सब मेटासेंट्रिक को, तो यहाँ पे दोनों आर्म का लेंथ इक्वल नहीं है. दोनों आर्म का जो यहाँ पे लेंथ है वो इक्वल नहीं है. आपका जो सेंट्रोमियर है इट इज टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये थोड़ा सा ऊपर के साइड पे लगा हुआ है. अब क्योंकि मेरा सेंट्रोमियर थोड़ा ऊपर के साइड पे यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आर्म मेरा हो जाता है थोड़ा सा शॉर्ट, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, और ये हो जाता है मेरा थोड़ा सा लॉन्ग. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट डिफरेंस आपको दिख जाएगा. एक आर्म थोड़ा सा छोटा होगा और एक आर्म काफी बड़ा होगा उसके कंपेयर में, लाइक उससे थोड़ा बड़ा होगा. सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय सब मेटासेंट्रिक. तो याद रखना दोनों में फर्क क्या है. मेटासेंट्रिक में तो बिल्कुल सेंटर में आपका सेंट्रोमियर, यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में, बट नॉट ऑन द सब मेटासेंट्रिक. यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर थोड़ा सा अनइक्वली यहाँ पे प्लेस्ड है. तो हम क्या करते हैं, इसके पहले डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. तो जब हम बात करते हैं मेटासेंट्रिक की, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रोमियर पोजीशन एट द सेंटर डिवाइडिंग द क्रोमोसोम इनटू टू इक्वल हाफ. सो बिल्कुल यहाँ पे दो इक्वल हाफ में उसे वो डिवाइड कर देगा. लेकिन जब मैं बात करता हूँ सब मेटासेंट्रिक की, याद रखना सेंट्रोमियर पोजीशन अ लिटल अबव द सेंटर Giving rise to a short and a long arm of the chromosome. मतलब एक आर्म आपका थोड़ा यहाँ पे लॉन्ग है और एक आर्म आपका यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाएगा on the sub metacentric chromosome. तो ये होते हैं आपके लिए तो दो टाइप के, these are your two types of my chromosome. तीसरा है मेरा यहाँ पे acrocentric. पहले उसकी पिक्चर देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे. तो अगर आप पिक्चर यहाँ पे देखोगे तो acrocentric में क्या हो रहा है, शॉर्ट आर्म बहुत छोटा है, इट इज वेरी स्मॉल.
इट इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल, राइट। और लॉन्ग आर्म तो यहाँ पे काफी बड़ा है कंपेरेटिवली, ये काफी लॉन्ग है यहाँ पे, ये तो भैया बहुत ही लाइक आपका लॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे, इट्स गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। सो शॉर्ट आर्म इज वेरी शॉर्ट, राइट, जो आपका शॉर्ट आर्म है, शॉर्ट आपका जो क्रोमोसोम वाला पार्ट है, इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मॉल। और दूसरा जो इसका आर्म है वो यहाँ पे है काफी लंबा है, ये भी आपको क्लियरली दिख जाता है कि एक बहुत छोटा है, एक काफी बड़ा है। तो यहाँ पे भी आपका बिल्कुल ही अनइक्वल तरीके से आपका यहाँ पे सेंट्रोमियर लगा हुआ है, और आई वुड से सेंट्रोमियर काफी हद तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका यहाँ पे लगा हुआ है, सेंटर में नहीं है, सेंटर में तो बिल्कुल नहीं है। सो दैट इज माय एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में आपको एक स्मॉल आर्म काफी स्मॉल मिलेगा और एक काफी लंबा मिलेगा, राइट। सब मेटा के अंदर लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, था डिफरेंस लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे तो काफी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाता है यार, ये तो बिल्कुल लाइक अनइक्वालिटी है यहाँ पे, इनइक्वालिटी है यहाँ पे। सो नाउ व्हाट यू विल सी ओवर हियर, एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर पोजिशन क्लोज टू एंड ऑफ अ क्रोमोसोम लीडिंग टू एन एक्सट्रीमली शॉर्ट आर्म। जैसे कि आप लिखा हुआ बेटा आपका यहाँ पे बहुत शॉर्ट आर्म होता है एक, और दूसरा होता है बहुत लॉन्ग आर्म होता है, इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होगा बेटा आपका यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स विद द टर्माइनल पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, यहाँ पे शॉर्ट आर्म दिखता ही नहीं है, यहाँ पे आपको शॉर्ट आर्म दिखना ही नहीं है, बस आपको दिखना है कि यार आपका जो वो है सेंट्रोमियर वो आपका एकदम टिप के ऊपर वहां पे कोने में लगा हुआ है, तो यहाँ पे शॉर्ट आर्म दिखता ही नहीं, या फिर जो आपको एक आर्म दिखेगा लॉन्ग आर्म। सो यू कैन सी ओवर हियर आपका जो सेंट्रोमियर है वो एकदम आपके टिप पे लगा हुआ है यहाँ पे, इट इज ऑन द वन साइड ऑफ द क्रोमोसोम, बिल्कुल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट आर्म आपको दिखेगा ही नहीं, दैट इज माय टीलोसेंट्रिक। सो टीलोसेंट्रिक के अंदर आपको शॉर्ट आर्म देखने के लिए आपको नहीं मिलता, क्या देखना क्रोमोसोम विद द टर्मिनली पोजिशन सेंट्रोमियर, टर्मिनल मतलब एकदम एज पे, एकदम कोने में, तो टर्मिनली प्लेस सेंट्रोमियर कैन बी सीन। ये होते हैं आपके चार टाइप के क्रोमोसोम्स, और इनको आपको पहले थोरली याद रखना है, जो बड़े ही सिंपल है वैसे देखा जाए तो, दे आर ऑल लाइक नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द सेंट्रोमियर, राइट, दे आर नॉट सो डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड एंड टू बी रिमेम्बर। तो ये चारों को याद रखना है आपको, और चारों के पिक्चर को याद रखना है, कई बार वो लोग पिक्चर डाल के पूछ लेते हैं कि यार ये क्या है, इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? इट इज अ सिंपल पार्ट, इसको लेकर मैं ज्यादा टेंशन ले नहीं रहा, ये काफी आपका सिंपल पार्ट है जो आप यहाँ पे समझ सकते हो। इसके बाद जो चीज है वो आपको यहाँ पे समझनी है, यहाँ पे मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगा, दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना है, लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर। एक चीज आपको याद रखनी है, आपको एक क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, व्हाट इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। तो जब भी आपके सामने टर्म आए कि यार प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या होता है, तो याद रखना प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर सेंट्रोमियर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सेंट्रोमियर। तो ये जो आपको जो सेंट्रोमियर, जो हम यहाँ पे इतने सारे सेंट्रोमियर बना रहे थे ना, ये जितने भी आपके सेंट्रोमियर है, इनको आप इवन कहते हो एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये चीज याद रखना, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, इट इज बीन ऑल्सो बीन कॉल्ड एज योर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। चाहे कोई भी सेंट्रोमियर हो, कहीं पे भी हो, सेंट्रोमियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और वापस भी आ सकता है, इसलिए याद रखना, दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि यार प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो चलो आपने बता दिया कि वो है आपका सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आपका क्या होता है? तो एक तो आपने ये जान लिया, एक और टर्म आपका होता है यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सैटेलाइट। बहुत बढ़िया बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? अपूर्वा। वेरी गुड अपूर्वा, यस, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन जो आपका यहाँ पे होगा उसे बोलेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा सैटेलाइट, राइट, दैट इज गोइंग टू बी योर सैटेलाइट ऑलवेज। अब ये सैटेलाइट क्या है इसे हम देखते पहले, रुक जाओ, इसको हम पहले देखते हैं सैटेलाइट है क्या। तो अगर आप इस क्रोमोसोम्स को अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो दो राइट हैंड साइड पे बने हुए हैं मेटासेंट्रिक और सबमेटासेंट्रिक, वहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के रखा हुआ है हमने, आपको दिख रहा है छोटा स्ट्रक्चर यहाँ पे, एक, एक, एक आपको रीजन आपके यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख जाएगा, दैट स्मॉल स्ट्रक्चर विच इज सीन एट दिस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज माय सैटेलाइट। अब सैटेलाइट जो ये आपका होता है, ये आपको हर एक क्रोमोसोम में नहीं मिलेगा, याद रखना सैटेलाइट जो आपका यहाँ पे होता है ये आपको हर एक क्रोमोसोम पे नहीं मिलेगा, कुछ क्रोमोसोम पे आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन जब भी आपको मिलेगा ये आपको काफी क्लियरली आपको दिख जाएगा, जब भी आपको ये मिलेगा ये आपको काफी क्लियरली आपको दिख जाएगा, ऐसे आपको एकदम टिप के ऊपर एक स्मॉल स्ट्रक्चर बना हुआ आपको यहाँ पे दिख जाता है, एंड दैट स्मॉल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर सैटेलाइट, इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे सैटेलाइट।
This is something called as a satellite. और इसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे as a secondary constriction. तो याद रखना प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आपका यहाँ पे क्या है और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आपका यहाँ पे क्या है. प्लीज सब लोग यहाँ पे याद रखेंगे. क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज इट प्लस इज इट नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. पक्का कोई चीज रिपीट करनी होगी तो प्लीज बता देना. बिल्कुल यू या यू जस्ट गो डाउन एंड लेट मी नो इफ देयर समथिंग हैज टू बी रिपीटेड. नाउ द थिंग इज द एक आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या कर रहा था पहले बता दो. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन बेसिकली कर क्या रहा है आपके यहाँ पे? हाँ जी, आपके जो दो सिस्टर क्रोमैटिड है उनको अटैच करके रख रहा है. याद रखना बेटा मैंने आपको क्या पूछा. प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन आपके यहाँ पे है सेंट्रोमियर और इसका काम एक ही है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि दो सिस्टर क्रोमैटिड को ये अटैच करके रखेगा वहां पे. सो टू सिस्टर क्रोमैटिड आर बीइंग अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ माय सेंट्रोमियर. तो ये एक चीज आपको यहाँ पे क्लियरली मालूम होनी चाहिए. सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है ना ये चीज याद रखना. इसका रोल एनसीटी में नहीं है लेकिन आपको याद रखना इसका रोल क्या है. इसका रोल होता है ये डिटरमाइन करता है कि न्यूक्लियस कहां बनेगा और कितने बनेंगे. और आई वुड से सिंपली याद रखो इट डिटरमाइंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सैटेलाइट का काम होता है यहाँ पे इट डिटरमाइंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. डिटरमाइंस फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या था याद है किसी को? क्या करता था न्यूक्लियस हमारा? Yes, क्या करता था? यस सर नहीं करता क्या था बता दो. करता क्या था न्यूक्लियस आपका? फॉर्मेशन. ठीक है तो याद रखना ये न्यूक्लियस जो बनेगा ना फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय माय सैटेलाइट. सैटेलाइट उसे डिटरमाइन करते हैं कि कितने बनेंगे कहाँ बनेंगे. सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि व्हाट दिस सैटेलाइट इज नोन फॉर या इसका काम है. जब भी आपको ये स्ट्रक्चर अभी कभी फ्यूचर में दिख जाए ना आपको माइक्रोस्कोप के नीचे जो आपको दिखेगा नहीं लेकिन अगर कभी दिख जाए तो याद रखना दिस इज अ पार्ट Which determines कि nucleus formation आपका कैसे बनेगा, right? और formation of nucleus is governed by this area. ये area आपका nucleus का formation यहाँ पे govern करता है. ये आपको याद रखना है, right? क्या ये वाला part अपने आप clear है? Yes sir. अक्का, कोई चीज? Yes sir. Is there something which you want me to repeat? Then let me know. कोई part है यहाँ पे जो आप चाहते हो कि मैं repeat कर दूँ? याद रख पाते हो तो राइट. यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है इसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे. समटाइम्स फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन एट अ कॉन्स्टेंट लोकेशन. This gives the appearance of a small fragment called a satellite. उन्होंने भी बोला है कि ये आपको मिल जाता है देखने के लिए. ये NCERT की स्टेटमेंट है जो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ. ये NCERT की स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूँ कि उन्होंने सैटेलाइट को मेंशन किया है बस उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि यार ये करता क्या है, राइट? तो याद रखना ये करता क्या है. इट इज गोइंग टू मेंटेन योर और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ योर न्यूक्लियोलस. फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस. So, अभी तक हमने देखा हमारे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ने देखे हमने देखा कि यार क्रोमैटिन क्या होता है क्रोमोसोम क्या होता है. क्या इतना सबको यहाँ पे क्लियर है? एलोसोम्स क्या होते हैं बता दो जल्दी. एलोसोम्स क्या होते हैं? 23rd pair आपका होता है एलोसोम जिसको हम इवन कहते हैं हमारा एज अ सेक्स क्रोमोसोम, राइट? सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. ऑलराइट ओके सो नाउ वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड ओवर हियर एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स. ये सब हमने यहाँ पे देख लिया कुछ और यहाँ पे नया समझते हैं. अच्छा नया समझने के पहले मैं आप थोड़ा आपको बिल्डअप दे देता हूँ. पहले लेट मी गिव यू अ बिल्डअप ऑन दिस ओनली हम लोग क्या समझेंगे इसके अंदर. ठीक है सो लेट मी जस्ट टेल यू फ्यू थिंग्स. आपने देखा होगा जब आप फ्रूट्स रखते हो ना कहीं टेबल पे या किचन में रखे होते हो फ्रूट्स तो आप पता है एक स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट उसके आसपास घूमने लगते हैं कुछ टाइम बाद आपको दिख जाते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट कभी नोटिस किया आप लोगों ने? और उनको हम बोलते हैं हमारा फ्रूट फ्लाई. यू कॉल देम एज अ फ्रूट फ्लाई. अगला टॉपिक इससे रिलेटेड है इसलिए मैं इस बारे में इसका लाइक मेंशन कर रहा हूँ. तो कुछ इंसेक्ट्स आपको घूमते हुए आपको दिख जाते हैं उस फ्रूट्स के आसपास उन्हें हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई. कभी देखना नोटिस करना स्मॉल होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं और आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. ये जो फ्रूट फ्लाई है ना
इसको हम इवन बोलते हैं एज अ ड्रोसोफिला, इसको हम इवन बोलते हैं एज अ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला इसका जो नाम मैं लगा रहा हूं यहाँ पे, इसका साइंटिफिक नाम है बेसिकली, ये जीनस है ड्रोसोफिला। तो आप ये नाम भी याद रख सकते हो क्योंकि ये नाम आपके सामने वापस आएगा काफी बार फ्यूचर में। क्या रखना, ड्रोसोफिला इज नथिंग बट माई फ्रूट फ्लाई है, और इसको जेनेटिक्स में काफी यूज किया जाता है। इतना भी याद रख लो, ये भी याद रख लो, ये कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आएगी जेनेटिकल स्टडीज के अंदर, फॉर जेनेटिकल स्टडीज के लिए इसको काफी यूज किया जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आपने वो मेंडल का नाम सुना है क्या, 9-10 में पढ़ा होगा ग्रेगर मेंडल, पता है वो कुछ कुछ करता था, कैपिटलिटी स्मॉलिटी वाली चीज है, याद है? डोमिनेंट रिसेसिव। हाँ जी, आप मुझे ये बताओ कि उसने कौन सा प्लांट यूज किया था ग्रेगर मेंडल ने अपने टाइम पे? पी प्लांट। कोई बता सकता है उसने ये क्यों यूज किया था पी प्लांट जेनेटिक स्टडी के लिए? क्योंकि इसकी खेती 2 महीने में जल्दी हो जाती है। बहुत सही शीतल, बिल्कुल सही बोला आपने, इसकी खेती बहुत जल्दी हो जाती है, तो आप काफी टाइम के अंदर 1 साल में आप बहुत बार इनकी जनरेशन बना सकते हो। तो आप हमेशा वो चीज सिलेक्ट करोगे या वो मॉडल आप सिलेक्ट करते हो जो काफी जल्दी अपने आप को डिवाइड करके नई जनरेशन बना सकता है, ये इसलिए उसने सिलेक्ट किया था। बिल्कुल सही बात है। तो अगर आप भी कभी कोई जेनेटिकल स्टडीज अगर आप करोगे तो आप ऐसा मॉडल उठाओगे जिसके आप कई सारी जनरेशन को आप स्टडी कर पाओगे। आप टॉर्टोइज एलिफेंट टाइगर लैंड नहीं उठाओगे क्योंकि उनकी जनरेशन आप ज्यादा स्टडी नहीं कर पा सकते क्योंकि वो बहुत स्लोली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि फ्रूट फ्लाई क्यों सिलेक्ट किया जाता है। फ्रूट फ्लाई भी सिलेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इंसेक्ट बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा, जल्दी बड़ा होगा, वापस रिप्रोड्यूस करेगा, तो आपको कई सारी जनरेशन स्टडी करने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। क्या इतना पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है, और थोड़ा इसमें देखते हैं। तो ड्रोसोफिला जो आपका होता है ना, जब वो बॉर्न होता है, जो एग में से हैच आउट होकर बाहर निकलता है, उसका लार्वल स्टेज होता है। इट हैज अ लार्वल स्टेज। लार्वल स्टेज मतलब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल। आपने बटरफ्लाई का कैटरपिलर तो देखा ही होगा, कैटरपिलर होता है, फिर पूपा बनता है, फिर बटरफ्लाई बनता है, राइट? सो दैट इज अ लार्वल स्टेज। वैसा ही इसका एक लार्वल स्टेज होता है जो लार्वा जैसा दिखता है। अब होगा क्या, इसका जो लार्वल स्टेज होता है उसके अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, उसके अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड होगी, दिस सलाइवरी ग्लैंड विल हैव अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इसमें आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम मिलता है और उस क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। उस क्रोमोसोम को हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम। अब आप सोचोगे कि सर आपकी क्या, हाँ जी बोलिए बेटा बोलिए। स्क्रीन पे लिख रहे हैं कुछ? स्क्रीन पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, स्क्रीन दिख नहीं रही क्या? यस सर, सर नहीं दिख रही है। अच्छा, क्या आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? यस सर दिख रही है, दिख रही है सर, दिख रही है। अच्छा ठीक है, व्हाट शुड आई मेक, शुड मेक समथिंग। ये क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्क्रीन दिख रही है, सब बच्चों को स्क्रीन दिख रही है, टेल रह गई, टेल रह गई, ठीक है, विंग भी रह गया, बट ऑलराइट। सो यू हैव अ पॉलीटीन क्रोमोसोम ओवर हियर। अब देख लो वापस ये है क्या, ये टर्म आपको याद रखना है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा पहले भी नीट के अंदर इसके ऊपर बेस। सो यू हैव टू नो दिस टर्म, पॉलीटीन क्रोमोसोम है क्या। आपको पहले याद रखो कि आपको मिल कहाँ पे रहा है, कुछ याद रह ना रहे, इतना रखो मिलता कहाँ पे। ड्रोसोफिला का जो लार्वल स्टेज था उसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये आप करें, एक आपको क्रोमोसोम मिलता है, थोड़ा स्पेशल है वहां पे क्रोमोसोम ये, और इसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम। रोल वोल क्या है बाद में देखते हैं, पहले इतना याद रखना। क्या इतना पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? याद रखना पॉलीटीन। देखो मैंने आपको ये नहीं समझा कि ये है क्या क्या कर रहा है, बस इतना याद रख लो कि पॉलीटीन क्रोमोसोम इज अ क्रोमोसोम व्हिच यू गेट टू सी इन द सलाइवरी ग्लैंड इन द लार्वल स्टेज ऑफ द ड्रोसोफिला। और अगर ये आपको ग्रो करना तो आप भी अपने घर पे ग्रो कर सकते हो, बड़ी सिंपल सी बात है। आपने कुछ केले लाने हैं, केले को जाके रखना है आपने उसे बर्नी के अंदर, बर्नी मीन्स अचार वाला जो बॉटल होता है उसके अंदर, एंड मैश करके आप रख दो, थोड़ा पानी डाल दो, एंड उसके अंदर फिर ड्रोसोफिला आके अपने एग्स ले करेंगे एंड यू कैन ग्रो देम। और ये करा जाता है लैब्स के अंदर ताकि उन्हें आप स्टडी कर सको। सो दैट्स हाउ यू गेट टू सी ड्रोसोफिला। अगर किसी को लग रहा है कि मुझे देखना है ड्रोसोफिला, देन आप ये कर सकते हो।
और अगर आप करते हो देन प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। हां जी बोलिए बोलिए बेटा, आवाज कट रही है आपकी सर। बेटा वापस से बताइएगा आवाज कट रही है आपकी। सर मैं चैट बॉक्स में रहे, चैट बॉक्स में लिख दो बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो। सो सलाइवरी ग्लैंड वो होती है बेटा जो बेसिकली यहाँ से आपका सलाइवा सिक्रेट होता है या सलाइवरी अमाइलेज आपके यहाँ से आता है, आपके माउथ में भी है, सबके माउथ में होता है, तो वैसे उसके माउथ में भी होता है सलाइवरी ग्लैंड। सो प्लीज नो दैट इन दैट यू विल बी हैविंग दिस पोलिटन क्रोमोसोम कैन बी सीन। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, चलो। सो इतना आपने यहाँ पे देख लिया, ये आपका हो गया यहाँ पे पोलिटन क्रोमोसोम। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, प्लीज बता देना अगर कोई चीज क्लियर यहाँ पे ना हो पोलिटिन क्रोमोसोम को लेके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द न्यू स्लाइड्स ओवर हियर एंड लेट्स ट्राई टू सी समथिंग मोर अबाउट पोलिटिन क्रोमोसोम। ठीक है, ऑलराइट, स्क्रीन दिख रही है सबको यहाँ पे? यस सर, यस सर। राइट, लेट्स टॉक अबाउट पोलिटिन क्रोमोसोम। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय बाल्बिनिनी, बाल्बिनिनी इसे डिस्कवर्ड किया था इन द ईयर 1881, राइट। इट इज आल्सो नोन एज जायंट क्रोमोसोम, इसको इवन कहते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ जायंट क्रोमोसोम। सो दैट्स वन मोर थिंग यू हैव टू नो। ये कहाँ मिल रहा है? इट इज फाउंड इन द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला इन द लार्वल स्टेज में, आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा, राइट। Being as a normal chromosome, अब मैं बता दूं ये होता क्या, ये करता क्या है, उसको थोड़ा हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, ध्यान से सुनना। इमेजिन कर लो कि ये आपका है यहाँ पे, ये है आपका क्रोमोजोम, एक सिंगल क्रोमोजोम है, नॉर्मल है, एक सिंगल नॉर्मल क्रोमोजोम आपका है। सो ये वन क्रोमोजोम, राइट, जो आपका है आपके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ड्रोसोफिला के, ठीक है, आपका क्रोमोजोम वहां पे पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, ये करेगा अपने आपको रेप्लीकेट। तो चलो रेप्लीकेट कर रहा है यहाँ पे, हर कोई करता है, इसने भी किया अपने आपको रेप्लीकेट, तो दैट्स नॉर्मल थिंग। बट यहाँ पे क्या होता है, ये मल्टीपल टाइम्स रेप्लीकेट करेगा। अब यहाँ पे होगा एक और बार रेप्लीकेशन, यहाँ पे होगा एक और बार रेप्लीकेशन, तो यहाँ पे रेप्लीकेशन यहाँ पे आपका होता ही रहेगा और वो मल्टीपल टाइम्स होता है। तो यहाँ पे आपका जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे आपका रेप्लीकेट कर रहा है लेकिन आपका सेल डिवाइड नहीं करता। सो सेल इज नॉट डिवाइडिंग बट क्रोमोसोम्स अंडरगो रेप्लीकेशन। सो क्रोमोसोम्स अंडरगो मल्टीपल रेप्लीकेशन, क्रोमोसोम अंडरगो मल्टीपल रेप्लीकेशन, राइट। सो यहाँ पे क्रोमोसोम आपके मल्टीपल यहाँ पे बार यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दे विल राइट रेप्लीकेट रेगुलर रिपीटेडली एंड मल्टीपल टाइम्स, लेकिन यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता। तो होगा क्या ना, एक टाइम बाद तुम्हें उसे ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें एक बड़ा सा लाइक ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा, लाइक यू विल फाइंड अ वेरी थिक स्ट्रक्चर, एक बड़ा ही थिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। और ये जो मेरा थिक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, इसे ही बोलते हैं मेरा यहाँ पे पॉलिटिन क्रोमोसोम, इसको ही हम लोग बेटा यहाँ पे बोलेंगे एज अ पॉलिटिन क्रोमोसोम। सो दिस विल बी द ओनली स्ट्रक्चर जिसको मैंने बोलना है मेरा पॉलिटिन क्रोमोसोम। तो ये चीज याद रखना कि वो बनता कैसे है, बनता कुछ नहीं, उसके अंदर आपके जो क्रोमोसोम है वो रेपिटेडली आपके डिवाइड करेंगे, रेप्लीकेट करेंगे, बट सेल डिविजन यहाँ पे नहीं होता। और वो एक जो थिक स्ट्रक्चर जो बनेगा आपका यहाँ पे, उसको ही हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे पॉलिटिन क्रोमोसोम। इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? नेहा ये वाला पार्ट समझ आ रहा है? ये वाला पार्ट वापस रिपीट करना है? यस सर, रिपीट कर दो। हाँ, इसमें हुआ क्या ना बेटा, देखो पहले क्या था, एक सिंगल क्रोमोसोम था हमारे पास, सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल आपका है वहां पे, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। और वो रेप्लीकेट करता है अपने आपको, जब वो रेप्लीकेट करता है अपने आपको तो एक और आपका एक्स्ट्रा बनेगा, तो वो एक नॉर्मल चीज है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेप्लीकेशन हो रहा है, एक बन गए, दो बन गए, तीन बन गए, 15 बन गए, 17 बन गए, 18 बन गए, सो नंबर उनका बढ़ता ही जा रहा है। सो क्रोमोसोम स्टार्टिंग में एक था, आप आके देखते हो आधे घंटे बाद यहाँ पे 17-18 क्रोमोसोम आपके दिखने लगते हैं आपको, और ये सारे जो बन जाते हैं ये काफी लाइक एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, दे आर ऑल अटैच टू इच अदर, ऐसा भी नहीं कि सब अलग अलग होते हैं, दे आर ऑल अटैच टू इच अदर, और इनको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे पॉलिटिन क्रोमोसोम। और याद रखना, क्रोमोसोम डिवाइड कर रहा है, रेप्लीकेट कर रहा है, सेल डिविजन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे, नो सेल डिविजन इज हैपनिंग, सो नो सेल डिविजन इज सिन। नेहा पता चल रहा है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, जबरदस्ती यस नहीं बोलना है, ठीक है, अगर ऐसा लगे कि नहीं अभी पता चला तब भी आप बता सकते हो कि सर एक बार फिर रिपीट कर दो। तो दैट इज नो सेल डिविजन विल बी सीन हैपनिंग ओवर हियर। ये बन गया आपका यहाँ पे पॉलिटिन क्रोमोसोम। तो इतना पहले आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेंटेंस भी लिखा हुआ है, बीइंग अ नॉर्मल क्रोमोसोम
but undergoes repeated round of DNA replication without any cell division. It becomes large banded chromosome, which can be seen under the compound macroscopy. But काफी large हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, एकदम ऐसे thick बन जाता ही है, और इसको आप काफी clearly देख सकते हो under the compound microscope. Basically बताए तुम लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एक्चुअली में जाके इन ड्रोसोफिला को ग्रो कर सकते हो, लार्वा निकालो, उसका सलाइवरी ग्लैंड में से क्रोमोसोम निकाल के यू कैन एक्चुअली सी अंडर द माइक्रोस्कोप, अगर आपके स्कूल टीचर आपको अलाउ करते हैं तो. यू कैन एक्चुअली डू दैट, कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं है, यू कैन एक्चुअली गेट टू सी दिस क्रोमोसोम ओवर देयर. तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा. अब बात यह कि यार इसका काम क्या होता है, क्वेश्चन ये कि इसका काम क्या है, तो याद रखना ये जनरली हेल्प करता है टू प्रमोट मेटामॉर्फिज्म. इट प्रमोट्स और पुशेस द लार्वा टू अंडरटेक द मेटामॉर्फिज्म. सो प्रमोट्स मेटामॉर्फिज्म. क्या कोई बताना चाहेगा कि मेटामॉर्फिज्म यहाँ पे क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी कि मेटामॉर्फिज्म क्या होता है? एनीवन ट्राई करना चाहेगा? नहीं, नो वन. सुनो ध्यान से, जब आपका कैटरपिलर होता है, सिंपल टर्म बेटा याद रखना, जब आपका कैटरपिलर होता है वो पहले आपका टर्न होता है इनटू द प्यूपा, एंड देन उसमें से बनता है आपका, फिर आपका यहाँ पे बटरफ्लाई. सो कैटरपिलर आपका टर्न होगा इनटू द प्यूपा एंड देन इट विल टर्न इनटू द बटरफ्लाई. ये जो हुआ यहाँ पे, ये जो आपके अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस आपके यहाँ पे दिखे एंड देन आपका एडल्ट फॉर्म यहाँ पे जो बना, इस प्रोसेस को हम यहाँ बोलते हैं हमारा मेटामॉर्फिज्म. तो लार्वल फॉर्म से, लार्वल फॉर्म आपके पास था एंड नाउ इट हैज टर्न इनटू द एडल्ट. दैट इज माय, ये जो प्रोसेस जो आपका यहाँ पे होता है ना, ये प्रोसेस जो आपका यहाँ पे हुआ, जहाँ पे वो चेंज होता गया, ग्रेजुअली चेंज हुआ, उसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म. तो कैटरपिलर अंडरगोज मेटामॉर्फिज्म एंड फॉर्म्स इनटू अ बटरफ्लाई. सिमिलरली मैं बना सकता हूँ इसके लिए भी, फॉर एग्जाम्पल मेरा टैटपोल हो गया, टैटपोल मेरा यहाँ पे हो गया, टैटपोल विल टर्न इनटू व्हाट? फ्रॉग कुछ टाइम के बाद. क्या ये सब आपको समझ आ रहा है? यहाँ पे पता चला आपको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Tadpole, जब आपको frog में turn आता है, तो उसमें भी आपको देखा, आपको changes आपको दिख रहे हैं यार. एक था जिसके पास gills थे, now it is turning into a frog, which is an adult. तो ये आपका adult form है, ये आपका है larval form. और ये जो process होता है कि larval से जो adult form में जो conversion हो रहा होता है यहाँ पे, इसको ही हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे, this process only is called as my metamorphism. इसको ही हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे मेटामॉर्फिज्म. प्लीज याद रखना ये टर्म, ये टर्म आपके फ्यूचर में बार बार रिपीट हो सकता है, होगा ही. सो प्लीज नो दिस इज गोइंग टू बी योर मेटामॉर्फिज्म. सो वैसे ही आपका जब ड्रोसोफिला का जो लार्वा होता है, उसको चेंजेस, उसके अंदर काफी कई सारे चेंजेस होंगे एंड देन इट विल टर्न इन टू द एडल्ट फ्रूट फ्लाई, जो उड़ पाएगा. लार्वा तो उड़ भी नहीं सकता बेटा, वो तो सिर्फ क्रॉल कर रहा होता है एक जैसे दूसरे के ऊपर. तो वो आपका कन्वर्ट होगा इन टू फ्रूट फ्लाई एंड देन वो जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा मेटामॉर्फिज्म. तो मेटामॉर्फिज्म करने के लिए या उस तरफ पुश करने के लिए ये क्रोमोसोम आपकी हेल्प करते हैं. सो दिस क्रोमोसोम्स हेल्प्स टू प्रमोट मेटामॉर्फिज्म, ताकि मेरा लार्वा फटाफट अपना एडल्ट बन जाए और वहां से उड़ के निकल जाए. क्या इसका रोल आपको यहाँ पे समझ आया? इज द रोल ऑफ पॉलीटिनिक क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, मैं वापस बताता हूँ आपको एक बार फिर. यहाँ क्या हुआ, आपका जो पॉलीटिन क्रोमोसोम था बेटा, वो बेसिकली पुश करता है आपके मेटामॉर्फिज्म के लिए. दैट मींस ये प्रमोट करता है कि आपका जो लार्वा है, जो आपका बेबी लार्वा यहाँ पे होगा आपका कहीं पे, वो कन्वर्ट हो जाए जल्दी से इंटू अ एडल्ट फ्रूट फ्लाई, इंटू अर एडल्ट फ्रूट फ्लाई. अब ये जो प्रोसेस आप होगा, ये प्रोसेस को पुश कौन करेगा? आपके ये क्रोमोसोम्स. दिस क्रोमोसोम्स विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ योर मेटामॉर्फिज्म. ये चीज यहाँ पे होती है, ठीक है? और याद रखना, एक बार वो एडल्ट बन गया ना, एक बार आपका फ्रूट फ्लाई एडल्ट बन गया, हाँ, देन वो नहीं रहता, देन आपका पॉलीटिन क्रोमोसोम आपका खत्म हो जाता है. देन आपका जो पॉलीटिन क्रोमोसोम जो आपका होता है वहां पे डाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है. दे मतलब पॉलीटिन क्रोमोसोम, नहीं तो आप सोचोगे वो एनिमल की डेथ होगी. सो पॉलीटिन क्रोमोसोम जो आपका होगा वो खत्म हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, एक बार आपका एडल्ट फ्लाई वहां पे बन जाता है. तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? Can I have a quick yes in the chat? मुझे चैट में फटाफट क्विक यस दे दो. If it is this part is clear to you, अगर पॉलीटिन क्रोमोसोम आपको यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक जो भी आपको बताया गया, then give me a quick yes in the chat quickly. फटाफट बेटा, फटाफट जल्दी 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 यस करिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सके. Quickly give me a yes for this so that we can go beyond this. ठीक है,
ठीक है, अगर कुछ लग रहा है ना कि अगर पता नहीं भी चल रहा देन ऑल्सो प्लीज लेट मी नो, मैं रिपीट कर दूंगा। देखो होता क्या ना, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें होता क्या है, वो लोग क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो क्वेश्चन में बड़ा सिंपल चीज पूछते हैं वो लोग पूछ सकते हैं कि यार ये आपको कहाँ मिल जाता है देखने के लिए, दैट कैन दे कैन आस्क यू, और दे कैन आस्क यू कि यार बेल्बिनी ने क्या डिस्कवर किया था, ये आपको आ सकता है। ठीक है, रोल को देखिए आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे कभी, आपको वो लोग ये नहीं पूछेंगे कि यार इसका रोल बताओ डिटेल में, क्योंकि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स रोल एक्चुअली, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे इसका रोल काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए वो लोग रोल को लेकर इसमें डिटेल में कभी आपको पूछेंगे नहीं। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको यहाँ पे, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे पॉलिटिन क्रोमोसोम आपको यहाँ पे दिख जाएगा अगर आप उसे ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू समथिंग। अच्छा ये बता दो मुझे कि ये क्या है। यस, आई एम हैप्पी कि आप लोग अपने लोकल प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, दैट्स सरगुची जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड यस इट्स गोइंग टू बी योर मशरूम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ ये क्या है, बताइए क्या है ये, इतना क्या सोच रहे हो, कोई बायोलॉजिकल चीज तो है नहीं ना ये, क्या लग रहा है क्या है ये? ब्रश। ठीक है, जिसपे मैं टूथपेस्ट लगाऊंगा पहले एंड देन टू टाइम्स अ डे आई विल यूज इट, एनीथिंग एल्स? कब अब दिख नहीं रहा, द विंडो क्लीनर। ठीक है, ये भी अच्छा आंसर है यार, ये सब आइगन ब्रश है। हां जी, विंडो क्लीनर भी एक अच्छा आंसर है, मैं ऐसा भी कह सकता हूँ। चलो मैं भी अपना आंसर देता हूँ, तुम लोग ज्यादा कुछ। सर डस्ट क्लीनर। हां राइट, डस्ट क्लीनर। ठीक है सर, डस्ट क्लीनर, बहुत बढ़िया। हां जी, लिख लिया डस्ट क्लीनर। हाँ ठीक है, डस्ट क्लीनर लिख लिया, विंडो क्लीनर ब्रश लिख लिया। ठीक है, बढ़िया। ओके, नाउ द थिंग इज, ये जो आपका है ना, इसको इवन एक और मैं यहाँ पे टर्म दे सकता हूँ इसको, यहाँ पे जो आप बोल रहे हो सब सही है, ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो सब सही है। एक और मैं यहाँ पे टर्म यूज करता हूँ, इसको बोल सकता हूँ एज अ लैम्प ब्रश, लैम्प ब्रश। अब ऐसे जो ब्रश होते हैं ना, इनको यूज करके मैं लैम्प को क्लीन कर सकता हूँ। लैम्प मतलब, लैम्प तो मालूम है आपको क्या होता है, बट उनको क्लीन करते समय आपको कुछ सॉफ्ट चीजों से क्लीन करना होता है ताकि वो टूट ना जाए। तो लैम्प ब्रश एक ब्रश होता है जो ऐसा ही होता है, राइट, और उसको यूज करके मैं लैम्प को क्लीन कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इनकेस अगर आप सोचो कि ये क्या हो रहा है क्लास के अंदर, दिस इज नॉट समथिंग विच वॉज सपोज टू बी पार्ट ऑफ नीट, देन बता देता हूँ। ये हम ये टर्म इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं बिकॉज जो नेक्स्ट टर्म मैं आपको समझाऊंगा उसे हम बोलेंगे लैम्प ब्रश क्रोमोजोम, लैम्प ब्रश क्रोमोजोम। और वो क्रोमोसोम कुछ ऐसे दिखते हैं, कलर पिंक नहीं होता लेकिन वो कुछ ऐसे ही दिखते हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं हमारा लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, यू हैव समथिंग एज अ लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, और इसको हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते कि अब ये है क्या। ठीक है, इसलिए ये हमने यहाँ पे पिक्चर लगाई थी। नाउ लेट्स हैव अ लुक, राइट। सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम जो क्रोमोसोम था ये आपका डिस्कवर किया गया था बाय फ्लेमिंग इन द ईयर 1882। अब इसको आगे समझाने के पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपके जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम है वो आपको बेसिकली मिलता कहाँ पे, लाइक ये आपको दिखेगा कहाँ पे। सो लेट मी जस्ट राइट डाउन ओवर हियर कि लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आपको दिखता कहाँ पे, लैम्प ब्रश आपको कहाँ दिखेगा, दिस क्रोमोसोम, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम आपको कहाँ मिलेगा। सो ये आपको याद रखना है कि ये आपको मिलेगा इन द ऊसाइट ऑफ मेनी एनिमल्स, कई सारे एनिमल्स के ऊसाइट में आपको ये दिख जाएगा, ये एक क्रोमोसोम होगा काफी बड़ा होगा, और ये आपको मिलेगा ऊसाइट ऑफ मेनी एनिमल्स एक्सेप्ट मैमल्स, हमारे अंदर नहीं मिलना ये, एक्सेप्ट मैमल्स। इसको ज्यादा हमें डिटेल में समझना नहीं, ये टर्म आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भी आपको स्टेटमेंट में टर्म मिल जाता है। आपको मैं जब कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं आपको कल कराऊंगा उसके अंदर आपको ये स्टेटमेंट आपको दिख जाएगी, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। सो कई सारे ऊसाइट के अंदर आपको ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे समझ लो, ऊसाइट मतलब आपका फीमेल एग, ऊसाइट मींस आपका फीमेल एग। ये जो फीमेल एग बेटा आपका होता है कई सारे एनिमल्स के अंदर, लाइक आप रेप्टाइल ले लो, बर्ड्स ले लो, लिजार्ड्स ले लो कोई भी, या आप इवन आपके कई सारे आप एम्फीबियंस ले लो, उनके अंदर आपको ये लैम्प ब्रश क्रोमोसोम देखने के लिए मिल जाता है, बड़ा सा क्रोमोसोम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इतना ही आपको याद रखना है,
रोल वोल आपको याद नहीं रखना, बस आपको इतना रखना कि आपको मिलता कहाँ पे, तो प्लीज याद रखना इट इज ऑलवेज सीन इन द ऊसाइट ऑफ मेनी एनिमल्स, कई सारे एनिमल्स के ऊसाइट में आपको ही मिलेगा, बट मैमल्स में नहीं मिलेगा, हमारे अंदर ये नहीं मिलना। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? यस सर। ऊसाइट में मिलेगा आपको ये, और हमारे अंदर नहीं, हमारे ऊसाइट में नहीं मिलने वाला ये, बाकी एनिमल्स के ऊसाइट में आपको ये मिल जाएगा देखने के लिए, इतना ही याद रखना है आपको इसके अंदर। अच्छा ये बता दो, ये आपके यहाँ पे दिखता है नहीं दिखता? ये है आपका जुगनू, जिसे हम इवन बोलते हैं हमारा एज अ फायरफ्लाई। ये हमने क्यों रखा है? क्योंकि इसका भी रिलेशन है जो हम आगे समझेंगे। मुझे लगता था ये सिर्फ सोलर में दिखता है, बट अब पता चल गया कि काफी जगह पे दिखता है। ठीक है, ऑलराइट, नाउ गोइंग बैक टू माय लैम्ब्रेस क्रोमोसोम, यहाँ पे देखते हैं फटाफट इसे। फाउंड इन द ऊसाइट ऑफ मोस्ट एनिमल्स अदर देन द मैमल्स, ये मैं मेंशन कर चुका हूँ। दे आर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो अपने आपको एक दूसरे से अटैच रखते हैं। एंड दे अपियर लाइक अ लैम्प ब्रश, दे अपियर लाइक अ लैम्प ब्रश, राइट। देखो यहाँ पे उसकी पिक्चर लगी हुई है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, सो यस इट समवॉट अपियर्स लाइक अ लैम्प ब्रश, एग्जैक्टली नहीं बट समवॉट इट अपियर्स लाइक अ लैम्प ब्रश। आपको ग्रे कलर की यहाँ पे पिक्चर दिख जाएगी जो काफी छोटी दिख रही होगी आपके स्क्रीन पे, बट दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी, राइट। सो दिस इज माय लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, और आपको इतना याद रखना है बस, आपको मैं व्हाट आई वांट टू रिमेंबर ओवर हियर कि ऊसाइट ऑफ मोस्ट एनिमल्स अदर देन मैमल्स विल हैव दिस लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, इतना ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद रखें, ताकि अगर कभी आपका कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बियॉन्ड आपको वो लोग पूछेंगे नहीं। रोल के ऊपर बेस कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, ये आप इसके रोल कभी आप इस लेवल पे आप समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने ये दो टाइप के क्रोमोसोम देखे जो थोड़े अलग हैं, एक आपका हो गया पॉलीटिन क्रोमोसोम और एक आपका यहाँ पे हो गया लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। क्या ये दोनों क्रोमोसोम आपको यहाँ पे क्लियर है? आर दे क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत आ रही है, कोई कंसर्न हो, अगर कोई बात हो तो प्लीज बता दो। सिल्के मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है ना, सिंपल ये इसका मतलब ये होता है, जो भी आपका जो प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस विच आर सीन, सुनो ध्यान से, द डेवलपमेंटल स्टेजेस विच आर सीन फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट फॉर्म, दैट इज नोन एज योर मेटामॉर्फोसिस। सो जब आपका कैटरपिलर से प्यूपा बन रहा है, प्यूपा से बटरफ्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस आपका जो है इसे हम बोलते हैं हमारा मेटामॉर्फोसिस, राइट। जो आपको कई सारे स्पीशीज के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और उसे ही हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस। और जो पॉलीटिन क्रोमोसोम था वो आपको मेटामॉर्फोसिस करने के लिए ही हेल्प करता है ड्रोसोफिला के अंदर, और एक बार आपका एडल्ट फॉर्म बन गया तब आपको वो नहीं दिखेगा। सो वंस एडल्ट फॉर्म इज फॉर्म, आपको पॉलीटिन क्रोमोसोम आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, तो इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू सिल्की, आई होप ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है। हाँ कोमल बताइए, क्या क्वेश्चन बताइए, अगर कोई हैंड रेज करता है तो इट सीम्स लाइक अ क्वेश्चन है आपको, अगर क्वेश्चन नहीं है, सी इफ यू हैव अ क्वेश्चन है तो अनम्यूट करके पूछ लो, आपको हैंड रेज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में, बट लेट्स सी और विल डू दिस समडे लेटर, बट याद रखना, इतना याद रखना कि ये आपका फायरफ्लाई एंड यू गेट टू सी देम इन मेनी प्लेसेस, हिमाचल में आपको दिख जाता ही है, और या इसके रिलेशन में हमें कुछ बातें करनी होंगी, ज्यादा नहीं थोड़ी सी। I hope यहाँ तक आपको सब समझ आया। See what we have done today, na? We have done with the chromosome, we have done with the types of chromosome, and we have seen the primary and secondary constriction. ये हमने देख लिया है। उसके अलावा we have seen polyten chromosome and we have seen the lamp brush chromosome. क्या इतना पार्ट सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, right? So कल हम लोग जब मिलेंगे तो please इतना वाला पार्ट आप इतना repeat like revise करके आना। We'll be doing some questions. कल हमने कई सारे PYQ करने हैं। That's one thing I want to tell you. We'll be doing multiple PYQs tomorrow, and and उसके बाद हम ये दो organelle जो हमारे बाकी हैं वो भी हम इन्हें कर लेंगे। एक तो प्रोसेसोम में करना है, and then you have to do the glycosome. एक बार ये हो जाता है, then we are very much done with the chapter. एक बार वो चीज हो जाती है, then yes, your chapter will get completed. उसके बाद